आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वरना जो इस भाई के साथ हुआ है वो आपके भी साथ हो सकता है। इस भाई के चैनल पे 9.5 लाख सब्सक्राइबर्स थे और यूट्यूब की तरफ से इनके चैनल को डिलीट कर दिया गया सिर्फ एक छोटी गलती की वजह से, और कहीं ना कहीं वो गलती आप लोग भी कर रहे हो। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे से मैसेज किया, फिर मैंने वहां रिप्लाई किया, अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। उसके बाद मैंने एक्चुअली में इनसे पूछा कि क्या दिक्कत है, ये काफी परेशान हताश निराश थे और यूट्यूब ने इनके चैनल को एक छोटी सी गलती की वजह से टर्मिनेट कर दिया। आपको पता होगा कि एक एक सब्सक्राइबर कितनी मेहनत से आते हैं और इनके चैनल पे 9.5 लाख प्लस सब्सक्राइबर थे और एक गलती की वजह से इनका चैनल टर्मिनेट हो गया, यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। तो इन्होंने कौन सी गलती की है वही इस वीडियो में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस वीडियो पे इस चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि एक्चुअली में इन्होंने अपने चैनल पे गलती क्या की थी जिसकी वजह से इनका चैनल टर्मिनेट कर दिया गया। तो इनके चैनल का नाम है अखिलेश प्रेमी ऑफिशियल और इनके चैनल पर 9.65 लाख सब्सक्राइबर जो कि साइड में देख सकते हो। और एक दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है, उस पर आप देख लीजिए कि नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सब टिक लगा हुआ है। इनके वॉच टाइम सब्सक्राइबर की तो बात ही मत कीजिए क्योंकि 9 लाख प्लस सब्सक्राइबर तो सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन इनके पास पहले यूट्यूब की तरफ से एक मेल आता है या एक नोटिफिकेशन आता है, उस पर लिख के आता है मिसलीडिंग मेटा डाटा। उसके बाद इनके चैनल पर आती है यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और फिर उसके बाद इनका चैनल कर दिया जाता है डिलीट। आप पहले ये मिसलीडिंग मेटा डाटा का मतलब क्या है समझ लीजिए, और जो कि इनके चैनल्स पर आया है आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है यूजिंग टू मेनी कीवर्ड्स ऑन योर कंटेंट सच दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन टाइटल टैग, मतलब यूट्यूब क्लियर नहीं कर रहा है, लेकिन यूट्यूब का इसका मतलब है कि जो कीवर्ड्स एक बार आपके वीडियो में लग गया है टाइटल में डिस्क्रिप्शन में टैग में वो दोबारा किसी भी वीडियो में नहीं लगना चाहिए। यहाँ साफ साफ इनको लिख के भेजा गया है, ठीक है ना, साफ साफ लिख के भेजा गया है। इन्होंने एक्चुअली में क्या गलती की थी कि एक ही डिस्क्रिप्शन को अपनी कई वीडियो में लगा दिया गया। यूट्यूब कुछ भी क्लियर नहीं बताता कि एक्चुअली में गलती क्या होती है मिसलीडिंग डाटा में, मेटा डाटा में। उसने सिर्फ ये बताया है कि आप एक कीवर्ड्स को बार बार कई वीडियो में प्रयोग किया है, एक गलती ये हो गई। दूसरी गलती आती है आपकी मिसलीडिंग मेटा डाटा में कि आप बहुत ज्यादा हैशटैग का प्रयोग ना कीजिए, मैक्सिमम 3 से लेकर 5 ही हैशटैग अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रयोग कीजिए, उससे ज्यादा यूज ना कीजिए। हैशटैग जो बहुत सारे लोग देखते हो कि 20-20, 25-25, 30-30 हैशटैग लगा देते हैं। तीसरा मिसलीडिंग मेटा डाटा में सबसे ज्यादा आता है कि जो लोग टाइटल में कामा लगा देते हैं या डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा कीवर्ड्स लगाते हैं और उस पर कामा 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 लगा देते हैं, तो वो भी मिसलीडिंग मेटा डाटा में आता है। ये भाई अपने चैनल पर वही गलती किए, इनका चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया गया ये कहकर कि आपके चैनल पर मिसलीडिंग मेटा डाटा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप साइड में देख सकते हैं इनको यूट्यूब की तरफ से 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया जो कि आप साइड में देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप देख लीजिए, वो भी एक्टिव, ऐसा नहीं कि कोई फेक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आया। आप बात करें कि आया किसकी वजह से है, तो इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे कॉन्टेंट कैसा प्रोवाइड कराते थे उसके तहत आया। आप साफ साफ देख सकते हो कि अप्रैल जुलाई में 13 जुलाई को आया है, उसके बाद आप देख सकते हो कि 12 जुलाई को YouTube की तरफ से पूर्तिया इनके चैनल को यहाँ पे देख लीजिए कि रिमूव, इनके कंटेंट को रिमूव कर दिया गया। अब बात करें कि इनके चैनल पर कैसा कंटेंट था, तो ये क्या करते थे कि सीरियल से रिलेटेड रिव्यू देते थे, जैसे सीरियल जो टीवी सीरियल आता है उस पे रिलेटेड एक वीडियो बनाते थे और उसी पे रिव्यू देते थे। मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ या बार बार आप लोगों को बताती भी हूँ और अवगत भी कराती हूँ कि आप लोग दूसरों की कोई भी चीज यूज ना कीजिए। आप मेरे ही चैनल पे देख लीजिए, मैं कभी किसी की चीजों को यूज नहीं करती हूँ और इसीलिए आप लोगों से बताती हूँ हमेशा कि किसी की चीजों को यूज मत कीजिए क्योंकि वो उनका कंटेंट है। ये भाई क्या करते थे कि सीरियल को उठाते थे, उस पर अपना वॉइस डालते थे, मतलब रिएक्शन देते थे, बट जो कंपनी सीरियल की थी उस पर बहुत सारे पे कॉपीराइट क्लेम भी आता था। उसके बाद ये मिसलीडिंग मेटा डाटा, मतलब एक ही टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन को बार बार अपनी वीडियो में यूज भी करते थे, इसके वजह से इनके चैनल का मोनेटाइजेशन पहले डिसेबल कर दिया गया, फिर उसके बाद में इनको स्ट्राइक आ गई यूट्यूब की तरफ से कम्युनिटी गाइडलाइन, वो भी डबल नहीं तिबल, और इनके चैनल को टर्मिनेट कर दिया गया। और अभी के टाइम में भाई ने एक चैलेंज बनाया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज, बहुत ज्यादा रो रहे थे, परेशान थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, तब मैंने ये वीडियो बनाई। और एक्चुअली में मैंने आपको सोचा कि इस पर इन्फॉर्मेशन दे दूं, बता दूं कि अगर आप लोग अपने चैनल पर ये गलती कर रहे हो तो करना बंद कर दूं, और भाई का ये चैनल है
तो प्लीज आप लोग जितना हो सके सपोर्ट करो, क्योंकि किसी का 9.5 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट हो जाता है तो उससे पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी या क्या तकलीफ होगी। और अगेंस्ट आपको अवेयर कराना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी का कंटेंट यूज करते हैं, कुछ गलत तरीके का एक ही थंबनेल बार बार अपनी वीडियो में यूज करते हैं तो अभी से बंद कर दीजिए, या बार बार एक ही कीवर्ड्स को अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी सख्त है। जब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ पॉलिसीज को लेकर, तो आप लोग नहीं देखते हो, क्योंकि आए दिन यूट्यूब ना कुछ अपडेट करता रहता है, इसीलिए मैं अपडेट के ऊपर वीडियो देती रहती हूँ ताकि आप लोग एकदम निधरक होकर अपने चैनल पे काम कीजिए। लेकिन जब एक्चुअली में आपके चैनल से साथ कोई गलती हो जाती है, आपका चैनल डिलीट हो जाता है, तब आप रोते हो, परेशान होते हो, तब आपका उस टाइम कोई भी बंदा सपोर्ट करने वाला यूट्यूब पे नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर अपने चैनल पे इनमें से कोई गलती कर रहे हो, कोई रीयूज कंटेंट उठा के डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, या कोई सीरियल बना रहे हो, कोई मूवी का क्लिप यूज कर रहे हो और चैनल मोनेटाइज हो भी गया, यूट्यूब की नजर में नहीं आया, लेकिन जिस दिन मेरे भाई अगर आएगा तो आपका चैनल 100% डिलीट कर दिया जाएगा। एंड अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस भाई को जितना हो सके दिल खोल के सपोर्ट कीजिए। इन्होंने एक्चुअली में गलती जो की थी उसकी सजा इन्हें मिल चुकी है, लेकिन अब आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट दीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी एंड नॉलेजबल लगी हो, चैनल पे पहली बार आया हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी techeshwarya23 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।